हेलो क्लास टेंथ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी की, उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपका रनिंग में है। अभी तक सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसका पार्ट नंबर 6 आपका रह गया था। आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही। 3x/2 -5y/3 -2, तो इसको ठीक कर लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे, सबसे पहले 6, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10, y = -2। आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लाई, 9x - 10y = -k 12। आपकी इक्वेशन नंबर 1 रेडी हो गई। चलते हैं सेकंड पर, x/3 + y/2 = 13/6। इसका एलसीएम 6, 3 2 जा 6, 2 की मल्टीप्लाई x में 2x, 2 3 जा 6 और 3 की मल्टीप्लाई y में तो 3y = 13/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आ गया 6 2 जा 12x, 6 3 जा 18y और = 13 6 जा 78। इसको और छोटा कर सकते हैं, डिवाइड बाय 6 करके, 6 का डिवाइड इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 6 का आप डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 13 आ गया। यह आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ हम सब सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही। 9x - 10y = -12 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ही आप बनाते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। सबसे पहले y की वैल्यू फाइंड कीजिए, -k 10y = -k 12, 9x का ट्रांसपोर्ट इधर -k 9x हो गया, इस माइनस की दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10y = +k 12 और +k 9x हो गया, और आपका y हो गया +k 9x + k 12/10, इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते हैं हम लोग, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर। आपकी सेकंड इक्वेशन थी 2x + 3y = 13, वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए अब, 2x + 3 और वाई की वैल्यू आपके सामने 9x + 12/10 = 13। इस 10 की मल्टीप्लाई 2x में होगी, इस 10 की मल्टीप्लाई 13 में होगी, इस 3 की मल्टीप्लाई 9x + 12 में होगी, तो 10 2 जा 20x, 9 3 जा 27x और 3 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे 36 और 10 की ही मल्टीप्लाई 13 में करेंगे 130। दोनों ही x हैं, ऐड कर देंगे 7 4 47x = 130। 36 को करेंगे ट्रांसपोर्ट इधर -k 36 और आपका हो गया अब 47x = 130 में से 36 माइनस करना है, 10 में से 6 गया 4 और 12 में से 3 गया 9 और x = 94/47 और 47 2 जा 94 होता है और x = 2 आ गया। फिर क्या करते हैं हम लोग, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर रखते हैं, y = 9x +
12 अपॉन 10 और 9 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 12 अपॉन 10, 9 टू जा 18 प्लस 12 अपॉन 10 और 0 30 अपॉन 10 इक्वल 3 आ गया आपका। तो आपका आया x इक्वल 2 और y इक्वल 3। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल 11। पहली क्वेश्चन आती हुई 2x प्लस 3y इक्वल 11 और सेकंड क्वेश्चन आपके सामने 2x माइनस के 4y इक्वल माइनस के 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको सॉल्व करने के बाद m की वैल्यू निकालनी है, जबकि हमें दिया हुआ है गिवन है y इक्वल एम एक्स प्लस 3। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसी वाले इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही। इसके लिए हम सबसे पहले पिक करते हैं 2x प्लस 3y इक्वल 11 और 3y इक्वल आपका हो गया 11 माइनस 2x और y इक्वल हो गया 11 माइनस 2x अपॉन 3। इक्वेशन नंबर 3। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, 2x माइनस 4y इक्वल माइनस के 24 गिवन है आपके पास। 2x माइनस 4 y को रख दीजिए 11 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल माइनस के 24। ये आपकी y की वैल्यू आ गई। 3 की मल्टीप्लाई 2x में कीजिए, 3 की मल्टीप्लाई माइनस 24 में कीजिए और माइनस 4 की मल्टीप्लाई 11 माइनस 2x में कीजिए। सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 6x माइनस 4 की मल्टीप्लाई 11 में माइनस के 44 माइनस 4 की मल्टीप्लाई माइनस 2x में तो प्लस के 8x इक्वल और 24 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस के 72। 6x प्लस का 8x प्लस का 14x हो गया इक्वल राइट हैंड माइनस के 72 और माइनस 44 की का करेंगे ट्रांसपोर्ट इधर तो प्लस के 44 हो जाएगा एंड 14x इक्वल माइनस कर देंगे 8 2। साइन हमेशा बड़े डिजिट से पहले वाला और x इक्वल बच्चों आया आपका माइनस 28 अपॉन 14 इक्वल माइनस के 2। देन पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। y इक्वल 11 माइनस 2x अपॉन 3। 11 का 11 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू आपके पास माइनस 2 है अपॉन 3। 11 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस के 4 हो गया अपॉन 3। 15 अपॉन 3 5 आ गया। अब आप जो आपके पास गिवन है इक्वेशन उसको पिक कर लेंगे y इक्वल mx प्लस 3। देन y की वैल्यू है आपके सामने अब 5। m फाइंड करनी है, x की वैल्यू माइनस के 2 है और प्लस के 3। ये हो गया आपका 5 इक्वल माइनस के 2m प्लस 3। इस 3 का ट्रांसपोर्ट कर दीजिए इस तरफ 5 माइनस 3 इक्वल माइनस के 2m, ये आपका आ गया 2 इक्वल माइनस के 2m और m इक्वल 2 अपॉन माइनस 2 तो m इक्वल आपका आ गया माइनस के 1। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।